हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रीता कुमारी और आज का हमारा विषय है अंग की मात्रा। अंग मतलब शरीर की मात्रा। अंग की मात्रा जब भी हमने बोली है अंग अ लगा के दो बिंदु लगाए हैं तो इसको क्या बोले हैं? अ ह। अंग की मात्रा होती है किसके बाद होती है? ह। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? ओ ह। अब वाक्य शुरू करते हैं। सबसे पहले है नम ह। नम क्या बोला इसको? नम। नम मतलब नमस्ते। आगे है प र आ त ह। प्रथम क्या बोला इसको? प्रथम। ह की आवाज निकाल रही है लास्ट में। तो प्रातः क्या होता है? सुबह। आगे अ त ह। अतः क्या बोले इसको? अतः। अतः क्या मतलब क्या होता है? इसलिए। आगे प उ न ह। पुनः क्या बोले इसको? पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है? बार बार। आगे श न ए ह क्या बन गया? शनै। क्या बन गया? शनै। शनै का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। आगे है श ह। श इसका मतलब क्या होता है? शे। इसको हम इंग्लिश में सिक्स भी बोलते हैं। आगे द उ अ ख। दुख। दुख का मतलब होता है उदास होना। आगे है ग उ र उ ख। गुर क्या बोले इसको? गुर। इसका मतलब क्या होता है? अध्यापक। आगे है स आगे स व त ह। स्वत। स्वत का मतलब क्या होता है? स्वत का मतलब होता है अपने आप। आगे है त प ह। तप। तप का मतलब क्या होता है? तपस्या। तो ये थे हमारी विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। नमः। नमः का मतलब होता है नमस्ते। प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह। अतः इसका मतलब होता है इसलिए। पुनः बार बार। शनै धीरे। श शे दुख उदास होना। गुरु अध्यापक। स्वतः अपने आप। तप तपस्या।